वेलकम टू टेक्निकल एजुकेशन एंड जॉब्स यूट्यूब चैनल। राजस्थान विद्युत विभाग में नई वैकेंसी में बदलाव हो रहे हैं दोस्तों। अब तीनों कंपनियों के लिए एक ही आवेदन करना होगा। नई वैकेंसी की भी घोषणा की है और पूरी डिटेल्स आप इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये जयपुर दैनिक भास्कर की न्यूज है, 9 जून 2020 को ये प्रकाशित की गई है। बिजली कंपनी में नई व्यवस्था की गई है। अभी हाल ही में जो बैठक हुई है उसमें नई व्यवस्था की गई है। कर्मचारियों की भर्ती के लिए अब एक ही आवेदन करना होगा। पहले क्या होता था कि तीन डिस्को में राजस्थान के अंदर और तीनों डिस्को में के अलग अलग फार्म भरने पड़ते थे। अब क्या है कि राजस्थान सरकार ने तीनों डिस्को में के एक ही आवेदन पत्र बनने का व्यवस्था बनाई है। बरित्या से मिलेगी पोस्टिंग, आपको चूज करना होगा कि मैं नौकरी जयपुर करूँगा या जोधपुर करूँगा या अजमेर। तो तीनों को आपको भरना होगा। तीनों में से एक को भी भर सकते हो, दो को भी भर सकते हो, तीन को भी आप भर सकते हो। कंपनियों में इंजीनियरों व कर्मचारियों की भर्ती के लिए जो JNAN है, इंजीनियर हैं और लाइन मैन है, हेल्पर टू है, इन सभी के लिए जो आवेदन है केवल एक आवेदन ही करना होगा। यानी कि अब हर बिजली कंपनी के लिए अलग अलग आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है। आवेदन करने के समय अभ्यर्थी को पोस्टिंग की वरीयता देनी होगी। जब आप आवेदन करते हो, अब जो नई वैकेंसी है उसमें आवेदन करते हैं तो आपको वरीयता देनी होगी कि मैं जयपुर करूँगा जॉब या जोधपुर करूँगा या फिर अजमेर। चयन होने के बाद में आपके काउंसलिंग में उनकी मेरिट व वरीयता के आधार पर संबंधित बिजली कंपनी में पोस्टिंग दी जाएगी। हालांकि इस प्रक्रिया में वेटिंग लिस्ट नहीं होगी। हाँ दोस्तों, इसमें वेटिंग लिस्ट तैयार नहीं होगी। जो भी मेरिट लिस्ट निकलेगी वह पोस्टिंग दी जाएगी, उस पर आपको पोस्टिंग दे दी जाएगी। ऐसे में नौकरी छोड़कर जाने या पद खाली होने पर वेटिंग लिस्ट वालों को मौका नहीं मिलेगा, उन्हें दोबारा ही नई भर्ती से ही आना पड़ेगा। इसलिए वेटिंग लिस्ट नहीं खुलेगी दोस्तों। बिजली कंपनियों की कोऑर्डिनेंस कमेटी में इस नई व्यवस्था प्रक्रिया के एजेंडा पर मोर लगा दिए हैं। अब इस प्रस्ताव को सरकार को भेजा जाएगा, वहां से मंजूरी मिलते ही लागू हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन की जो मीटिंग है, ऊर्जा प्रमुख हैं, सचिव है, पांचों बिजली कंपनियों की MD सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। ये व्यवस्था बनाई है दोस्तों, और इस व्यवस्था को लागू कर देंगे तो अच्छी बात है। दूसरी कंपनियों में भी मिल सकेगी अनुकंपा नियुक्ति। कोऑर्डिनेंस जो कमेटी है वो बड़ा फैसला करते हुए अब मर्द कर्मचारी के आश्रितों को मनपसंद की बिजली कंपनियों में नियुक्त। जो कर्मचारी हैं बिजली विभाग में काम करते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनको, उनके बीवी बच्चों को नौकरी दी जाती है, तो वह भी उस कंपनी में नियुक्ति भी उनकी वरीयता के आधार पर दी जा सकती हैं। इसका सबसे ज़्यादा फायदा मृतक कर्मचारी की जगह आश्रित को तौर पर अनुकंपा नियुक्ति पाने वाली महिला को होगा। तो अच्छी बात है दोस्तों, ये न्यूज है। और इसके साथ ही आपको पहले भी पता होगा कि राजस्थान लाइनमैन की भर्ती के लिए प्रस्ताव रखा था, वो अभी नहीं हो रही है, लेकिन कुछ जल्द दिनों में वो भी आ जाएगी। तो इस वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि पर, व्हाट्सएप पर ज़रूर भेजें। और दोस्तों, आप कैंपस प्लेसमेंट की सरकारी नौकरियों की सूचना पाना चाहते हो तो टेक्निकल एजुकेशन एंड जॉब्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके पास में नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। बिल्कुल आपको लाइनमैन की भर्ती की पल पल की खबर आपको मिलेगी। तो इसके साथ ही अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स, धन्यवाद।